नमस्कार दोस्तों पीएफआई पर बैन लगा दिया गया पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक ऐसा संगठन जिस पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है तरह तरह के हथकंडे इन लोगों ने अपनाए हैं लोगों को पथ भ्रष्ट किया है देश विरोधी ताकतों से पैसा लिया है और देश विरोधी गतिविधियों में उसको लगाया है इन सब के बारे में सोशल मीडिया पर बहुत कुछ चला है अखबारों में खूब छपा है तमाम चीज़ें सामने आई हैं लेकिन मेरा ध्यान दोस्तों इस पूरे प्रकरण में जिस मुद्दे पर गया है वो इस मुद्दे पर गया है कि आखिरकार इन लोगों ने अपना इस तरह का बेस बनाया कैसे और देखिए मैं सबसे ज़्यादा इस बात से चौंका हूँ कि इस देश में इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेसर हर तबके से जुड़े हुए लोग पीएफआई का हिस्सा बन चुके थे और अगर इस पर बैन नहीं लगाया जाता तो आने वाले समय में ये देश के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन सकता था देखिए मैं तो जो मीडिया के हिसाब से चीज़ें सामने आ रही हैं उसी के हिसाब से सारा कुछ विश्लेषण करना चाहूँगा आपको कुछ चीज़ें दिखाऊँगा मैं आज मैंने काफ़ी जानकारी कलेक्ट की है इसलिए मैंने पी पर बैन के बाद वीडियो बनाने में थोड़ा समय भी लगाया कि आखिरकार क्यों हुआ ऐसा इसके पीछे की कहानी क्या है और कौन कौन लोग इसमें जुड़े हुए थे और वास्तव में ये चौंकाने वाली चीज़ें हैं मैं इसके लिए थोड़ा सा डबल डिस्प्ले में आपको ले चलना चाहूँगा देखिए सोशल मीडिया पर कल से ही चल रहा है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बैंड फॉर फाइव इयर्स अंडर यू ए पी ए हालांकि एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि इसमें अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट यू ए पी ए के तहत कि इसे पाँच साल के लिए ही क्यों बैन किया गया है बहुत सारे सवाल हैं तमाम सवाल उठ खड़े हुए हैं मीडिया इस पर चर्चा भी कर रहा है और ये देखिए इस बारे में जो सरकारी आदेश है उसकी चिट्ठी भी आपको मैं दिखा रहा हूँ जो इस पर इस बारे में जारी किया गया है और ये एक बड़ा मामला है लेकिन ये जो ख़बर है दोस्तों इस खबर ने मुझे सबसे ज़्यादा चुकाया है टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी छापा है इसको आज इंडियन एक्सप्रेस ने भी छापा है कि फ्रॉम टैकी टू लेक्चरर गवर्नमेंट एम्प्लॉय अरेस्टेड पीएफआई मैन फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ उन्होंने कहा कि हर वर्ग में पीएफआई के जो एक्टिविस्ट थे वो पैदा हो चुके थे चाहे वो टेक्निकल इंजीनियर हो या फिर लेक्चरार हो या कोई और हो इन सब लोगों के बारे में विस्तार से आपको बताऊंगा और ये सब चल रहा है कि जगह जगह पर फोर्स तैनात कर दी गई है आर का जो दफ्तर है कोची में यानी कि केरल में वहाँ पर भी फोर्स तैनात की गई है दिल्ली पुलिस जबरदस्त एक्शन ले रही है और दिल्ली पुलिस ने एक धारा एक लगाई हुई है शाहीन बाग के इलाके में बहुत सारी खबरें इसे लेकर चल रही हैं लेकिन मैं वन बाय वन सबको लेना चाहूँगा और पीएफआई देखिए इसमें एक बात और है कि पीएफआई का जो पॉलिटिकल है एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये अभी इस पर बैन नहीं लगाया गया है और ये जाया जा बताया जा रहा है कि इसमें चुनाव आयोग अपना कुछ एक्शन ले सकता है और चुनाव आयोग इस पर सख्ती कर रहा है तो मैं आपको दोस्तों डबल डिस्प्ले में देखे कुछ और चीज़ें दिखाना चाहूँगा इसमें एक ये खबर है कि 1400 केस फाइल किए गए हैं पीएफआई के कार्यकर्ताओं के खिलाफ पूरे देश में एक तो अधिकृत जानकारी इस बारे में ये मिल रही है और इसमें तो बहुत सारे डिटेल्स है उसमें जाने का कोई मतलब नहीं है लेकिन ये खबर काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसमें काफ़ी कुछ लोगों के विचार विमर्श आपको देखने को मिलेंगे देखिए इसमें जो मैं आपको बता रहा था कि पीएफआई के जो लोग हैं उनके बारे में और ये गतिविधियां जो इनकी हैं ये आपके सामने स्क्रीन पर जो मैं दिखा रहा हूँ इन लोगों के नाम जरा गौर से इनको देखिएगा आप ओ एम ए सलाम आप देख पा रहे हैं इसको और ओ एम ए सलाम नाम का जो ये शख्स है इसके बारे में ज़रा मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये एम्प्लॉई है केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का सलाम और इसको सस्पेंड किया गया था अभी हाल ही में पीएफआई संबंधित इसके लिंक होने की वजह से उसकी गतिविधियों में ये अनीस अहमद है नेशनल जनरल सेक्रेटरी है पी ओ एम इस्लाम पी का चेयरमैन है अनीस अहमद नेशनल जनरल सेक्रेटरी है और ये इसको इसके खर्चे के बारे में इसकी साइबर एक्टिविटीज़ के बारे में ये काम करता है और ये एक ग्लो ग्लोबल टेली कम्युनिकेशन कंपनी के लिए काम कर रहा था और इसे हाल ही में सस्पेंड वहाँ से किया गया था ये हैं पी कोया ये सदस्य है नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पी के ये एक्टिव मेंबर हैं और बताया जाता है कि ये जो सीमी जिस पर संगठन जिस संगठन पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के लिए बैन लगाया गया था ये उससे जुड़ा रहा है लंबे समय तक तो इस पर भी नज़र थी और अब ये जुड़ गया था पी के साथ और बाद में इसने कोजी यूनिवर्सिटी जो है केरला की उसके लिए लेक्चरर के रूप में काम करना शुरू कर दिया था आप समझ सकते हैं ना कहाँ कहाँ तक इनकी जड़ें पहुँच चुकी थी और ये है ई एम अब्दुल रहमान नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और रहमान जो है वो एक रिटायर्ड कर्मचारी है कोचिन यूनिवर्सिटी का और साइंस और टेक्नोलॉजी का कोची यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का और एर्नाकलम डिस्ट्रिक्ट में ये रहता है और सिमी का प्रेसिडेंट रहा है ये अपने समय में यानी कि सिमी पर बैन लगा और उसके सारे लोग इसमें शामिल हो गए ये है अफसर पासा इस ए अफसर पासा जो है नेशनल सेक्रेटरी है पाशा एक बिजनेस है और एक्टिव मेम्बर है पी का जब से ये बनी है दो से अब्दुल वाहिद सैद ये मेंबर है नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल का और ये फाउंडिंग मेंबर है और सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन कंपनी एक चलाता है ये मोहम्मद शाकिब और ये भी नेशनल सेक्रेटरी है इसका मीडिया एंड पब्लिक रिलेशंस का और ये भी इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है और एक ये है मीनार शेख इसके बारे में देखिए ये एक पी होल्डर है और कोचिंग क्लासेस चलाता है लेकिन ये क्या कोचिंग वहाँ पर कराता होगा आप इस बात से समझ सकते हैं बीजेपी ने इसका समर्थन किया है बीजेपी ने इसकी तारीफ़ की है जो सरकार ने कार्रवाई की है लेकिन कांग्रेस और रीजनल पार्टीज जो हैं वो इस इसको लेकर हल्ला मचा रही हैं और वो कह रही हैं कि आरएसएस पर भी बैन लगाइए देखिए इन लोगों को आरएसएस में और पीएफआई में कोई फ़र्क नज़र ही नहीं आ रहा है आप समझ रहे हैं और ये देखिए पीएफआई पॉलिटिकल आर्म्स एसडीपीआई लेफ्ट आउट ऑफ सेंटर्स बैन प्रिव्यू देखिए इसमें कहा कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जो इसका पी का राजनीतिक संगठन है उस पर बैन नहीं लगाया गया है लेकिन ये रडार पर है चुनाव आयोग इसके बारे में खबरें ले रहा है ये तस्वीर देखिए 2010 की है कोटेम की पीएफआई के मेंबर्स को किस तरीके से ट्रेंड किया जा रहा है ये इंडियन एक्सप्रेस ने तस्वीर आज छापी है इसको आप देख सकते हैं और इसमें और भी काफ़ी चीज़ें दिखी गई है पी क्या है इसके बारे में लिखा गया है पी जो है दो में बनाया गया था और तीन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन इसमें मिलाए गए थे नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट इन केरला कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी एंड मनीथा नीति परसराई इन तमिलनाडु ये तीन संगठन इसमें मिलाए गए थे और सिमी पर जब प्रतिबंध लगाया गया था उसके बाद पीएफआई का जन्म हुआ और ये सारी चीज़ें इसमें लिखी भी गई हैं कि के इसका कैंपस कहाँ है और इसके जो साथ में संगठन जुड़े हुए हैं नेशनल वुमेन्स फ्रंट रिहैब इंडिया फाउंडेशन जिसके माध्यम से यहाँ पर इसे विदेशों से चंदा मिल रहा है और एम्पावर इंडिया फाउंडेशन रिहेब फाउंडेशन केरला ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल जूनियर फ्रंट ये सारे के सारे संगठन इससे जुड़े हुए हैं जो इसकी समय समय पर हेल्प कर रहे थे इसके अलावा कई और भी चीज़ें हैं देखिए इसमें एक खबर ये भी है कि आखिरकार क्यों इस पर प्रतिबंध लगाने की ज़रूरत महसूस की गई कई लोग कई बड़ी घटनाओं में इनका नाम था प्रोफेसर पाम प्रोफेसर की जो हथेली है उसको काट दिया गया था 2010 में केरला में उसके बारे में है ये और एसएफआई लीडर जो थे उनका मर्डर हुआ था 2018 में आरएसएस वर्कर को 2021 में किल किया गया आरएसएस वर्कर का 2021 में मर्डर हुआ ये केरल में घटनाएं हुई कर्नाटक में बजरंग बजरंग दल के सदस्य का 2016 में हत्या हुई इसमें पीएफआई का नाम आया यहाँ आर का जो वर्कर है उसकी दो में हत्या हुई कर्नाटक में उसमें इनका नाम आया आर वर्कर को दो में मारा गया कर्नाटक में उसमें इनका नाम आया भारतीय जनता युवा मोर्चे के जो आदमी की हत्या की गई 2022 में उसमें इनका नाम आया तमिलनाडु में कुछ घटनाओं में इनका नाम आया और इसी वजह से इन पर ये प्रतिबंध लगाया गया देखिए योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिस्वा शर्मा ये सब जो चीफ मिनिस्टर हैं बीजेपी शासित राज्यों के इन्होंने इसकी तारीफ़ की है और इन सब का कहना है कि ये बिल्कुल सही प्रतिबंध है और पहले हो जाना चाहिए था ये वो खबर है इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि फ्रॉम टैकी टू लेक्चर टू गवर्नमेंट एम्प्लॉज़ देखा कि सरकारी कर्मचारी प्रवक्ता इंजीनियर ये सब लोग पीएफआई से जुड़े हुए थे और कितने ख़तरनाक काम कर रहे थे और ये पीएफआई का जो पॉलिटिकल आर्म है इसको भी बैन नहीं किया गया है ये खबर भी आज अखबारों में छापी गई है लेकिन जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है उसकी निगरानी में ये है और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन की भी ये निगरानी में है क्योंकि इलेक्शन कमीशन का मानना है कि इसने अपना जो विवरण है वो अभी तक नहीं दिया इसमें लिखा गया है कि इनफैक्ट एस डी पी आई इज़ ऑलरेडी अंडर द रडार ऑफ द इलेक्शन कमीशन फॉर फेलिंग टू फाइल इट्स कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट्स फॉर टू थाउजेंड एटीन नाइनटीन टू नाइनटीन ट्वेंटी दो हज़ार अट्ठारह से दो हज़ार बीस के बीच की जो इनकी अपनी रिपोर्ट्स हैं वो उन्होंने चुनाव आयोग को नहीं दिए हैं अपने खर्चे पानी की उस पर भी ये रडार में हैं और हो सकता है कि इन पर भी जल्द कार्रवाई कर दी जाए और देखिए लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि आर पर भी बैन लगना चाहिए मुसलमानों के वोट लेने के लिए लालू प्रसाद यादव किस हद तक गिर सकते हैं और इसमें एक खबर ये भी प्रमुख है कि उत्तर प्रदेश कर्नाटक और गुजरात ये तीन मेन राज्य थे जिन्होंने अमित शाह पर दबाव बनाया कि साहब पीएफआई को बैन किया जाए और इन राज्यों में पीएफआई की गतिविधियां लगातार बढ़ रही थी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है ही गुजरात में बीजेपी की सरकार है इन सब का दबाव था कि साहब पीएफआई को बैन किया जाए वरना आने वाले समय में ये हमारे लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है तो मेरा मानना है दोस्तों कि पीएफआई पर बैन बिल्कुल उचित कदम है और ये थोड़ा देरी से उठाया गया और इसका जो राजनीतिक संगठन है उसको भी बैन किया जाना चाहिए बहुत जल्द से जल्द मेरा तो ये मानना है हालांकि असदुद्दीन अवैसी साहब का बयान आ रहा था तो असदुद्दीन अवैसी कुछ और तरह से कह रहे थे लेकिन असदुद्दीन अवैसी साहब को मैं बताना चाहूँगा कि वो जो मुसलमानों के वोट लेकर अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं एस जैसे संगठन पी जैसे संगठन सबसे बड़ा ख़तरा असदुद्दीन अवैसी जैसे लोगों के लिए ही हैं इनके ही वोट बैंक को ये कतर रहे हैं और असदुद्दीन अवैसी को इसमें भारत सरकार की सराहना करनी चाहिए ना कि आलोचना तो मुझे लगा इस बारे में आपको सारी अपडेट्स दी जाएँ इसलिए आज ये वीडियो बनाया आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए आइकन प्रेस कर लीजिएगा अगले शो में अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें